गाइस, सो हमारा डेली टारगेट कंप्लीट हो चुका है और अब हम घर जाने वाले यार। देख के हम आपको ये लग रहा होगा कि नॉर्मल है ना, पर मैं बता नहीं सकती आपको हमारा अंग अंग कितना दुख रहा है। नहीं, नॉर्मल नहीं लग रहे होंगे देखकर। हमारा मुंह पर जो हाल दिख रहा है ना और बालों के हाल साफ पता लग रहा है कि क्या हो रखा है। तो अभी घर है ना कि तो ऐसी हालत चल भी नहीं पा रही थी बेचारी। आज लेग्स की है ना, तो अभी हम घर जाते हैं, फ्रेश होते हैं, फ्रेश होकर आपसे मिलते हैं क्योंकि आज का दिन होने वाला है बहुत लंबा। आज मैं खाने वाला हूँ क्या वो हम आपको दिखाते रहेंगे साथ के साथ। फिलहाल हम फ्रेश होते हैं और सब मिलते हैं आपसे। बाय यार। अभी ना मैं बड़ी मुश्किल से घर पहुंची और एक तो आज लेग्स की है ना, मैं आपको बता नहीं सकती क्या बुरी हालत हो रखी है। और वैसे भी जब मेरा कोई भी मैं एक्टिविटी शुरू करती हूँ, जैसे मान लो योगा किया या जिम शुरू किया ना, तो पहले हफ्ते तो ना 12 बजे जाते, बहुत मुश्किल होता है यार ये टाइम। बट अभी मैं बेल बजा रही हूँ, मम्मी दरवाज़ा ही नहीं खोल रहा, पता नहीं कितनी देर वेट करना पड़ेगा। और अगर मेरे को ज़्यादा देर वेट करना पड़ा मुझे लेट हो जाएगी और फिर मम्मी रजत के साथ टीम बना के बोलेगी कि नैना ने लेट किया है। तो चलो मैं फिर से एक बार ट्राई करती हूँ। यार मम्मी तो ऐसे यूजुअली इतने फास्ट निकले, मम्मी ने अपना सामान भी पैक कर दिया, खाना भी पैक कर दिया क्योंकि मैंने मम्मी को कहा था मैं बाहर कुछ नहीं खाऊंगी, तो मम्मी ने घर पे खाना बना के पैक भी कर दिया है। और मुझे देखो अभी ना मेरे कपड़े पैक है ना मैं रेडी हूँ, तो मैं फटाफट से नहा धोकर फ्रेश होकर आपसे मिलती हूँ। मैंने काफी देर से एंगल ढूंढ रही थी, इधर से वीडियो लूँ उधर से वीडियो लूँ, क्योंकि हर जगह ही शोर आ रहा है इन बच्चों का जिनका कोई कसूर नहीं है। एक्चुअली मेरे घर के साथ ना स्कूल है, तो यहाँ पे बच्चे खेलने आते हैं और इनको देख के मुझे अपने बचपन के दिन याद आ गए, क्योंकि मैं भी बहुत खेला करती थी। और ये जो सारी आपको ट्रॉफीज दिख रही है मेरे पीछे, ये सारी मेरी नहीं है, सारी क्या एक भी नहीं है मेरी। एनी हाउ आज हम जा रहे हैं मेरे मामा के घर, जो कि पिछले व्लॉग में आप जिनसे मिल चुके हो। एक्चुअली उनको ये था कि हम तो मिल लिए बट तुम हमारे घर नहीं आए हो, रजत को कभी नहीं लाए हो, आना पड़ेगा। तो मैं भी एकदम से मान गई, ठीक है इतने प्यार से बुला रहे तो आ जाएंगे। चलो अब मैं रेडी हो जाती हूँ, नहाकर तो मैं आ गई हूँ। बट पता क्या होता है, हम सबको ना ग्लोइंग और रेडियंट स्किन चाहिए होता है, बट हमारा रूटीन ही ऐसा होता है या फिर पॉल्यूशन होता है, टायर्डनेस होती है, नींद पूरी नहीं होती है, उस कारण हमारी स्किन डल लगने लग जाती है। आज की दुनिया में तो ना सबको क्विक फिक्स चाहिए होता है ताकि इंस्टेंट ग्लो आ जाए। तो मेरे पास है ममाअर्थ का ये स्किन इल्यूमिनेटिंग फेस क्रीम, जो कि हमारी स्किन को एकदम इंस्टेंट ग्लो देता है। ममाअर्थ के इस प्रोडक्ट के साथ आपको मिल सकती है डिजायर्ड स्किन, जो कि हेल्दी हो, रेडियंट हो, एंड दैट टू विदाउट केमिकल। दिस क्रीम मॉइस्चराइजर्स, बूस्ट कोलेजन प्रोडक्शन एंड गिव्स यू दैट इंस्टेंट ग्लो। ये क्रीम एकदम लाइट वेट है। इट इज क्राफ्टेड विद द गुडनेस ऑफ विटामिन सी एंड टर्मरिक दैट आर पैक्ड विद एंटीऑक्सीडेंट्स। ये फेस क्रीम ना आपके डेली फेस क्रीम के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है, बिकॉज ये क्विकली अब्सॉर्ब हो जाता है और ये नॉन स्टिकी भी है। And yes, you need not to worry about using it daily because it is made safe certified, which means कि इसमें कोई harmful chemicals use नहीं हुए और ना ही इसमें कोई toxins है। तो ममाअर्थ के प्रोडक्ट्स की गुडनेस मैं आपको बता चुकी हूँ और अब मैं आपको ममाअर्थ एज अ ब्रांड उनकी गुडनेस के बारे में बताऊंगी। उन्होंने एक प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव शुरू किया है, जिसमें जब भी आप ममाअर्थ.in से अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वो आपके ऑर्डर को एक ट्री के साथ लिंक कर देते हैं। और इतना ही नहीं, 2025 तक वो एम कर रहे हैं 1 मिलियन ट्रीज को प्लांट करने का। और हाँ, ममाअर्थ की ऑफिशियल ऐप भी रिलीज हो चुकी है, जिसका iOS और एंड्रॉइड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे वहां से चेक कर सकते हैं। अगर आप भी ये प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं तो आप इसे Amazon, Flipkart या Nykaa से ले सकते हैं। और अगर आप इसे ममाअर्थ.in से लेते हैं या फिर ममाअर्थ की ऑफिशियल ऐप से लेते हैं यूजिंग माई कूपन कोड विच इज Jyotika2022, तो आपको 20% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो अब मैं रेडी हो चुकी हूँ, आई होप मेरा फेस ग्लो कर रहा होगा, बिकॉज यू आर श्योर टू गेट अ डेली डोज ऑफ रेडियंस विद ममाअर्थ स्किन इल्यूमिनेट फेस क्रीम। तो अब मैं चलती हूँ क्योंकि मम्मी तो ऑलरेडी निकल चुके हैं और मुझे चलने में वैसे ही टाइम लगता है। तो जैसा आपको बोला था कि आज हम कहीं जा रहे हैं और अभी मैं आया हूँ आंटी और नैना को लेने, आई होप वो पहुँचने वाले होंगे, तो आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। ये देखो नैना भी आ गई। शिमला में बहुत 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 ज्यादा चलना पड़ता है, एक वर्कआउट तो इसी में ही हो जाता है। कहाँ रह गए थे? मैं जैकेट लेने रह गई थी, मैं जैकेट ले जा रही थी गांव वालों के लिए गिफ्ट। अच्छा। लड़ाई थी। छोटा सा डेमो भी शुरू हो गया था। साथ तो खतरा ही रहता मेरे को। अच्छा, कभी हम बेशक लड़ते हैं पर 5-10 मिनट से ऊपर नहीं होती हमारी लड़ाई। 5-10 ना, फिर 10-20 हो जाते, फिर 20-30 हो जाते, इसलिए लड़ना ही है। मिस रहे तो पहाड़ों में जो फॉरेस्ट है ना, जो कि मैं आपको क्लियरली नहीं दिखा पा रही, इसी को हसन वैली कहते हैं। ये वाइल्ड लाइफ की स्पॉटिंग कराते हैं कि कोई एनिमल दिख जाए। और इनके अपने भाई बहन बैठे होते हैं नीचे, वो पहन के ऊपर से शेर की खाल ड्रेसेस में आती। इतने बुरे जोक्स होते हैं ना तुम्हारे, नहीं बच्चे रजत के जैसे जोक मारने आपने। क्या करना, लाइफ तो तुम्हारे साथ भी तानी पड़नी है लग रहा है कुछ। तो दोस्ती करके ही फायदा है। मेरी कुंडली में लग रहा है कुछ की अब जो है, मेरे को तुम्हारे ही साथ कोई झेलना लिखा है। ना ना, झेलना तो नहीं बोल सकते।
अच्छा मम्मी मजा आता है आपको हमारे साथ? बिल्कुल। जाओ मैं अभी कैमरा बंद करती हूँ। तो बहुत आता है, मैं अपने सारे काम छोड़ के तो इनके साथ पागलों की तरह घूमती रहती हूँ। आपका मतलब हम पागल है? मैं सारे काम छोड़ के मैं इनके पीछे दौड़ जाती हूँ, चलो कोई बात नहीं, एंजॉय करने जाते हैं। भाई जिंदगी में क्या पता कब खत्म हो जाए, जियो जी भर के। ये सबक तो मुझे अपनी जब मेरी बहन की अभी डेथ हुई है उसके बाद तो मैंने ठान ली है कि जितना आपका मन करता है, जो आपका मन करता है कि ये करना वो करना कर लो, क्योंकि एक बार चले जाते ना वापस नहीं आ सकते हटके। तो इसलिए हाँ, हम रहते नहीं यार लोग क्या बोलेंगे, लोग ऐसा बोलेंगे, नहीं यार लोगों के लिए नहीं, सबसे पहले अपने लिए जीना चाहिए। जो भी काम कर रहे हो ना अपने मन में तसल्ली होनी चाहिए, आप अपने लिए बुरे नहीं होने चाहिए, बाकी दुनिया के लिए। तो मन आपको रोकता ना वहाँ रुक जाओ बस। चलो जी अब हम वैसे काफी आगे आ चुके हैं, थोड़ी आगे अच्छी जगह देख के अपना खाने पीने के लिए रुकते हैं। हम बहुत ही अच्छे बच्चे, हम घर से खाना लाए, आंटी ने घर से हमारे लिए खाना बनाया, हम जिम थे। भूख लगी है यार, शुरू मत करो, मुझे अभी ब्लॉग देखने दो। मुझे लगा देख किसका रहे, ये तो देखू मैं, किसका ब्लॉग है भाई? अभी आया ये। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है देख लो। अरे खुशबू कहाँ से आ रही है? यहाँ से आ रही, डाइट वाले लोगों के लिए डाइट वाली चीजें। लो जी, वाओ। रजत के लिए यहाँ और है मेरे पास ना। नहीं 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 नहीं, पता क्या है, मैं नहीं खाना। नहीं ये तीनों डब्बे एक जैसे है ना, तो तेरा शरीर तो बहुत बड़ा भाई। सच भाई, तो मतलब मैं यहाँ से डब्बे तो मैं बड़े नहीं कर सकती थी। नाइस लॉजिक मम्मी, बहुत बढ़िया। हाँ? मैंने भी थोड़े इसके पीजेस ले लिए थोड़े। तो जंगल ही लग रहा है, जंगल में पढ़ते थे आप ना, देख कितने अच्छे, मतलब एकदम नेचर के समीप था। हाँ अपना माइका तो लगता ही है। दस चीजें और अच्छी दिखेगी। अच्छा अभी तो मैंने बोला जब आप जाओगे तो आप भी बोलोगे। नहीं ये तो बात है, मैंने पिक्चर्स देखी है ना, मुझे बहुत पसंद आता है गुड़िया का घर। अच्छा वैसे जहाँ हम जा रहे हैं वो आंटी का मायका भी है और गुड़िया का घर भी है। गुड़िया का मायका भी है, गुड़िया का घर, गुड़िया का भी मायका ही है। मम्मी अभी तो घर था ना, मायका बन गया। आपका घर था जो। देखो औरत की क्या अजीब दास्ता होती है, माँ बाप के घर में होते तो फिर वो बन गया मायका, घर हुए वो बन गया ससुराल। माँ बाप के घर से बोलते ये पराए घर की है, और दूसरों के घर में बोलते ये तो बाहर से आई है, तो भाई वो औरत कहाँ बोलेगी कि ये मेरा है। मम्मी आप टेंशन ना लो, मेरा घर तो यही है जहाँ मैं कुंडली मार के बैठी हूँ। मुझे लगता है मेरी मम्मी किसी महिला मोर्चा की नेता बनने के लायक हो चुकी है, प्लीज इनका कोई सिलेक्शन कीजिए और अपने साथ ले जाइए। बातों बातों में आपके स्कूल भी पहुँच गए। ये है जी मम्मी का स्कूल, ये प्राइमरी सेक्शन है हमारा, ऊपर होता था हाई स्कूल, कितना सुंदर। हाँ जी हाँ जी, बहुत सुंदर स्कूल है हमारी मम्मी का। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं हमारी डेस्टिनेशन पे, मतलब हाँ थोड़ी थोड़ी भूख लगने लग गई है। थोड़ा हम जाएंगे पहले, थोड़ा टहलेंगे इधर उधर, आपको जगह दिखाएंगे, क्योंकि ये आंटी का है मायका। तो आंटी हमको, मायका नहीं आंटी का घर है, हाँ आंटी का घर है ये। तो हमने सोचा है पहले थोड़ा आंटी हमको बचपन की यादें अपनी बताएंगी कि यहाँ हम ऐसा करते थे वैसा करते थे, तो आपको भी दिखाएंगे सब कुछ। उसके बाद हम खाना खाएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे कि क्या खा रहे हैं हम, क्योंकि हमको भी नहीं पता। सब कुछ दिखाएंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। आंटी तो कुछ लग गए यहाँ करने, क्या कर रहे हैं आंटी? अच्छा सामान अपना एडजस्ट करें, क्योंकि ये निकलेंगे अभी अपने घर की तरफ और मैं निकलूंगा शिमला वापस। yes. तो और हमें लेने आएंगे पापा, बाय रजत। जो कि अभी क्या कर रहे हैं घर पे? शेव हो रही है अंकल की, बाहर जाना है तो थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग जरूरी है। चलो चलो क्या है ये? हाँ तो गंदगी, ये बड़ा स्वाद होता है ना, टेस्ट करके तो खा तो ले। आप खाओ, मुझे भी खाना है, मुझे भी खाना है, दोनों की मिलके मुझे भी खाना है। काफी अच्छा है। आजकल के बच्चों को खाने पीने के लिए तो तरह तरह की चीजें मिलती है, तो मतलब अभी इनको ऐसी चीजों में टेस्ट थोड़ी। हमने त्याग दिया आंटी, ये असली हमने आपके लिए रखी, हमने तरह तरह की चीज त्याग दी है। अब
ओलो से बचाने के लिए लगता है सेब में, ओला पड़ता है ये इसमें ही ऊपर ही रहता है, नीचे नहीं बचता ना, तो फिर फ्रूट में दाग नहीं आता है। ओ दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग, क्या बोल रही है सेब अच्छे, यहाँ के सेब अच्छे हैं, हाँ दिख नहीं रहे बस, पानी भी अच्छा नहीं है यहाँ तो, अलग है धूप भी अलग आती है, अच्छा है तभी तो हम अच्छे, तभी तो मैं इतनी अच्छी हूँ ऐसा बोलो। बचपन की याद में और जोड़ना चाहती हूँ थोड़ी, ये सीढ़ियाँ कुछ टाइम पहले ही बनी है, यहाँ पे पहले सीढ़ियाँ नहीं होती थी, मिट्टी मिट्टी होती थी। गिरी थी। और नहीं नहीं इतना कीचड़ हो जाता था ना बरसात में कि हमारा अगर जूता फंस गया तो फंस गया, वापस नहीं निकल हुआ। ये भी नैना के मामू का घर है, ये मेरा गाँव ही मेरे मामा लोग का है, लोग मामा लोग। ओए ये गुड़िया का कुत्ता है, बंदर जैसे कुत्ते हैं लो, कितना मजा आ गया, चलो चलो नहीं भाई नहीं, ये गुड़िया तो ओए बंदे दीवाले दे रहे थे भाई, वाह पहचान लिए इसने, पहले भूख रहा था फिर चुप हो गया। पिछले व्लॉग में आप मामू से तो मिल ही लिए होंगे, हाय 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 हाय, बस 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 हो गया, हो गया हो गया, चलो जी चलो इस कुत्ते को रोको कोई, तो यार ये बड़ा प्यारा है, तो देख यहाँ से पीछे कितना सुंदर, गुड़िया को दिखा दो, गुड़िया भी देख लेगी ऑडियंस को, हाँ इसे पता चल जाएगा हमारी वीडियो देखती है वो कि नहीं, ये भी फायदा उठा रहा, चलो ये है मेरी मामी जी, सब मिल ही चुके हो गए पहले भी कई बार, लेकिन आज इनके घर में मुझे नहीं आ रहे, अंधेरा क्यों है, लाइट 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 हमारे तो सुबह से, वेलकम टू गांव, ये है मेरी मम्मी का गांव जहाँ लाइट नहीं होती, सुबह से लाइट ही नहीं आ रहा है, घर बहुत सुंदर है आपका, नहीं सच में सच में, और बट लाइट नहीं है तो आप अच्छे से नहीं देख पाओगे, मामी ने सिड्डू का ये क्यों रखा है, ओह माय गॉड एयरपोर्ट ही किया कहीं घुड़ के, मामी इतने सारे, आपको पता था कि वो काफी दिनों से खाना नहीं खाया इन लोगों ने, ये बाहर से ना ऐसा लगता है भूत जैसा होगा, बहुत बड़े बड़े सेब के बाग है, मुझे नहीं पता था आज तक, अरे अपने का भी नहीं, बहुत है ना मम्मी की एक्साइटमेंट देख रही है, बहुत है यहाँ पे भी, वहाँ पे भी, चांद पे तो नहीं ले लिया मामू, चांद पे तो नहीं गई, तेरे पापा बोलते रहते ना क्या क्या इतने बड़े बड़े खेत है, इतने बड़े बड़े खेत है तुम्हारे हैं, इतने बड़े नहीं नहीं नहीं, जो कुछ है मम्मी यहीं पे ही है, बाकी तो कहीं पे कुछ नहीं है, जो जो हमको बहुत टाइम से फॉलो करते हैं उनको पता होगा आंटी जंगलों में क्या ढूंढते हैं, जलग और वो जलग यहाँ मेरे पिताजी के होता था लगाया हुआ इतना सा नहीं है, पर अब तो बेचारा यहाँ खंडर हो गया, क्योंकि आपको पता ही है, मतलब मैंने पहले भी बताया होगा शायद, बहुत लॉन्ग स्टोरी है, शॉर्ट में बता देते हैं कि इनका जो पहले वाला घर था गांव था एक्चुअली, वो जल गया था और बहुत सुंदर होता था, यहाँ था वो बच्चा था पुराना, ये बच्चा था एक उबरा सिर्फ एक पिताजी, और फिर इधर के लोगों ने सबने शुरू से सब कुछ शुरू किया, सब कुछ शुरू से, और आज इतने अच्छे अच्छे घर बन गए, तो भाई की हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए एक्चुअली, मतलब अच्छा बुरा टाइम चलता रहता जिंदगी में, पर हिम्मत मत हारो, सब कुछ हो जाता है, बिल्कुल सुना आपने अच्छा मैसेज आज का, फॉर मोर इंस्पिरेशनल मैसेजेस एंड कोट्स फॉलो देवी शकुंतला जी। चूड़दार हमने दिखाया नहीं ना, चूड़दार बताओ, इसकी जीभ निकल, चूड़दार वो छोटी दिख रही हो पास, बस ये है चूड़दार, इन खेतों में हमने बहुत काम, चूड़ेश्वर महाराज की जय, पूरा गांव दिखा दिया पूरा गांव, अभी भी एनर्जी खत्म नहीं हो रही, यहाँ पे है यहाँ पे वो है, अरे एनर्जी क्यों खत्म होगी, हमारा बचपन यहाँ कटा, मामू बोल रहे की मतलब अपना गाँव तो पूरा दिखाती है, ये क्यों नहीं दिखा रही, ये क्यों नहीं, आप भी बोलो दो शब्द कुछ, मामी को पूछा असली वो तो मामी बताएगी ना कि इसको यहाँ पे कैसा लगा यहाँ आके, मुझे बहुत अच्छा लगा और लगेगा भी, लगता रहेगा क्योंकि मैं हूँ अब यहाँ की रहने वाली। सारा हमने गांव देख लिया और हमको बड़े चाव से दिखाया सारा गांव, बट अब भूख लगी है, मामी बोल रहे चलो सिड्डू आपका इंतजार कर रहे हैं,
और अब हमारा पेट। और पता है मम्मी ये बोल रही थी कि सिर्फ मिठे ही बनाए होगे क्योंकि दूसरे सिटी नहीं, तो मैंने भी बनाए हैं मम्मी। मैंने उसी टाइम कह दिया था तुम शर्त लगा लो, ऐसा हो ही नहीं सकता है, नमकीन भी बनाए दोनों मीठे। जब तो मम्मी के घर जा रहे खातिरदारी फुल ऑन। जिनको नहीं पता सिड्डू क्या है, मैं आई बटन पे ऊपर सिड्डू की वीडियो डाल दूंगा, तो आप बना भी लेना खुद क्योंकि आंटी ने रेसिपी पूरी प्रॉपर बना कर दिखाई है। तो चलो अभी ट्रेडिशनल डिश है भाई। हाँ, अब आपको दिखाते हैं कि सिड्डू होता क्या है, क्योंकि अब मैं जा रहा हूँ डायरेक्ट किचन से, आपको खाते हुए दिखाता हूँ। चलो सच में छोटा भालू है, एक और भालू आ रहा है उसे भी पकड़ो। मैं फंस गया। सुंदर भालू, अरे फोन तुमने। अच्छा हाथ दे। कितना भारी है ये लड़का। झाड़ियों के पीछे एक चेहरा छिपा हुआ है। जी बनी स्पेशली आंटी के लिए, क्योंकि आंटी हर जगह ढूंढते रहते हैं ना। जंगल में जा जा के या इनके तो यही है पेड़ घर के सामने, नल के पेड़ होता है इसका। अभी देखना है, मैं दिखाऊं। तो इधर मुड़ो जरा, सिंधु सच चुके हैं। और दिखाऊं क्या है? दिखाओ। है हरी चटनी और है ये वो वाली सब्जी जलग। वाह वाह, पापा गर्म है हाथ में। ये है मेन चीज घी। A few moments later. क्या हाल है? बस मैं बता नहीं सकती कितना खाया। ये देखो अभी कुछ लोग तो खा रहे हैं। खाना बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी। चटनी का अलग से स्वाद था। सबसे अच्छा क्या लगा? सबसे अच्छा जो लंबे पत्ती जिसको जलग कहते हैं ना, सबसे टेस्टी वो तो मतलब बहुत ही सही थी। मामी खाना था A1, मजा आ गया। तो बाय बाय अब मामू मामी को।